पवनदीप अरुणिता के कुछ रोमांटिक फोटो सामने आ गए। ये वही फोटो है जब पवन अरुणिता ने उत्तराखंड में गाने की शूटिंग की थी। उसी शूटिंग के कुछ फोटो सामने आए हैं। हालांकि इनका गाना शूट हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन ये फोटो आप सामने आए। फोटो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, रोमांटिक और क्यूट है। फैंस के कॉमेंट्स की बाढ़ आ गई। हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमने एक ब्लॉग चैनल शुरू किया है। उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फैंस, पवन अरुणिता की जो रोमांटिक फोटो सामने आई है, उसमें पवन अरुणिता उत्तराखंड की सड़क पर अपनी जीप रोककर चाय पीते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, खुले मौसम में चाय का आनंद ले रहे हैं। मौसम भी सुहाना है और पवनदीप के साथ अरुणिता का हाथ भी है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि पवनदीप अरुणिता से कह रहे हैं कि तुम चाय पीती बहुत अच्छी लगती हो। पवनदीप अरुणिता को एक टक देखे ही जा रहे हैं जब अरुणिता चाय पीती हैं। अरुणिता भी इस सुहाने मौसम के बारे में पवनदीप से बातें कर रही हैं और खूब हंसी मजाक कर रही हैं। पवनदीप ने अरुणिता को बताया कि चाय और मैगी खाने का अलग ही मजा है पहाड़ों पर। कल वाली फोटोज में अरुणिता मैगी खाती दिखाई दी थी, आज वो चाय पीती दिखाई दे रही हैं पवनदीप के साथ। पवनदीप के साथ जब अरुणिता होती हैं तो सारे शौक पूरी करती हैं। और पवनदीप अरुणिता का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं, वो इन फोटोज़ में आप देख ही सकते हैं। वेल, आगे और भी पवन अरुणिता की दिलचस्प बातें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमने एक ब्लॉग चैनल शुरू किया। उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मंच पर भी पवन अरु डांस की आड़ में एक दूसरे से रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं। एक बार फिर इन्हें हिमेश रेशमिया टोक देते हैं। इनकी टांग खिंचाई कर चुके हैं। जब पवन अरु दोनों सेट पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने में मगन हैं, हिमेश रेशमिया तेज आवाज में बोलते हैं कि पवन अरु अब बस भी करो, कैमरे ऑन है और तुम लोग जजेस और कंटेस्टेंट के सामने बातें करे जा रहे हो। तुम दोनों को काफी देर से देखा जा रहा है, तुम दोनों एक दूसरे में लगे हो। अरुणिता कहती है, हम तो सिर्फ पवनदीप को बधाई दे रहे हैं कि उनकी टीम में कितने अच्छे कंटेस्टेंट हैं, क्या कमाल का गाते हैं। तो सलमान अली बोलने लगते हैं कि हमें तो कोई बधाई नहीं देता है, तो पवन को क्यों। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। वेल, आपको इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी लगी? क्या आप भी इनका कपल डांस वाला वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हैं? सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 2 के छोटे सुपरस्टारों ने न सिर्फ जजेस अलका याग्निक, जावेद अली और हिमेश रेशमिया और कप्तान पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीलाल, मोहम्मद शायली और सलमान अली का दिल चुराया, बल्कि उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और क्यूटनेस से लाखों दर्शकों को भी अपना दीवाना बना दिया है। इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली पंजाब की 10 साल की समायरा महाजन है। उनके गाने ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। समायरा ने मैंने प्यार किया गाने पर एक कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद सभी को पता चला कि समायरा को स्टेज से डर लगता है। तब मंच पर मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए दंग रह गए। उनकी स्थिति को देखते हुए कैप्टन अरुणिता, जो समायरा की टीम को लीड कर रही हैं, वो उनकी मदद के लिए आगे आई। आपको बता दें, अरुणिता खुद भी कभी कोई इसी तरह के डर से गुजरा करती थी और बतौर कप्तान उन्होंने समायरा का स्टेज का डर निकालने के लिए और उनके मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक अलग ही योजना बनाई। अरुणिता जब समायरा को द कपिल शर्मा शो में लेकर गईं, जहां उन्हें बतौर मेहमान इनवाइट किया गया था, वहां मौजूद लाइव दर्शकों के उन्होंने अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। अरुणिता कहती है, जब रिकॉर्डिंग रूम में गाने की बात आती है तब समायरा खुद पर काफी भरोसा होता है, लेकिन जब मंच पर भीड़ के सामने परफॉर्मेंस की बात आती है तब वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि कोई उनके गाने पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि उनकी खामियों पर ध्यान देगा और उन्हें नोटिस कर रहा होगा कि और क्या गलती निकालनी है। अरुणिता ने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ कि समायरा का ये डर दूर हो जाए, ताकि वो बिना किसी डर के मंच पर परफॉर्मेंस दे सके। इसलिए जब मैं उसे द कपिल शर्मा शो में ले गई तो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि सभी ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अरुणिता की इस हिम्मत के बाद अलका याग्निक ने भी उनकी तारीफ की और समायरा की तो खुद तारीफ हो रही है। समायरा अपने आइडल अरुणिता को मानती है।
पवनदीप राजन और अरुणिता कांची ने लाइव आकर बड़ी अपडेट दी है। पवन आरू अपनी टीम के साथ जैसे ही जम्मू केनिया पहुंचे उन्होंने अपने फैंस को जानकारी दे दी। लाइव वीडियो में पवन आरू दानिश नजर आ रहे हैं, दानिश वीडियो बना रहे हैं और पवन अरुणिता बोलते हैं, हेलो नैरोबी, हम लोग आ चुके हैं और आप सबका इंतजार कर रहे हैं, आप भी सब लोग इकट्ठा हो जाएं, कुछ ही देर में हमारी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। पवन आरू कहते हैं कि हम पहली बार इस जगह पर आए हैं, बहुत मजा आने वाला है लोगों से मिलने के बाद। पवन आरू दोनों कार में बिल्कुल करीब होकर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पवन आरू का रोमांस भी दिखा। पवन बताते हैं कि हमारे कुछ कलाकार का मैं अभी सिर्फ हम और दानिश ही हैं, मतलब पवन आरू ने खुद को और अरुणिता को हम बोला। वहीं पवन अरुणिता के हाथ को अपने पैर पर रखते नजर आ रहे हैं, वो बातों बातों में अरुणिता का हाथ अपने पास रख लेते हैं और दोनों एक दूसरे से कार में बैठकर खूब बातें भी करते हैं। पवन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नैरोबी का एक वीडियो भी शेयर करते हैं, वो कार में अरुणिता के साथ बैठकर बाहर का नजारा दिखाते आ रहे हैं, जिसमें केसरिया तेरा इश्क है पिया गाना भी प्ले हो रहा है। दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए। वहां पहुंचते ही ये सब प्रैक्टिस में लग जाते हैं और रात के वक्त पवन अरु दोनों मंच पर साउंड चेक करते नजर आए। वहां ढोल बजाते भी दिखे पवन। पवन भांगड़े पर कमाल की बीट देते हैं। आसपास खड़े लोग पवन को देखते रह जाते हैं और अरुणिता तो पवन में पूरी तरह से खो जाती है। वेल, नैरोबी से इनके बहुत ही रोमांटिक और प्यारे वीडियो आने वाले हैं। जैसे ही हम तक पहुंचेंगे, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वेल, आप इनकी वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल के नाम में ही शहर टपकता है, तो सोचिए इनके आसपास रहने वाले लोग और इनके कांटेक्ट में रहने वाले लोगों का दिल कितना खुश होता होगा जब इनसे बात होती होगी। और पवनदीप राजन तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पवनदीप राजन इंडियन आइडल के ऐसे कंटेस्टेंट और अरुणिता कांचीलाल के ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी लड़की से बात करने से कतराते थे, लेकिन आज पवनदीप बिना अरुणिता के कहीं जमते ही नहीं है। वो घंटों अरुणिता से बात करने के लिए तैयार रहते हैं और उनके साथ खूब मौज मस्ती भी करते हैं और सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से लगातार इनके रोमांटिक वीडियो भी शेयर होते रहते हैं। फिर से हम पवन अरु का एक रोमांटिक वीडियो सामने लेकर आए हैं, जिन्होंने पवन के साथ अरुणिता की खूबी भी और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल हुआ ये कि जब अरुणिता अपनी कंटेस्टेंट सैंतनी कांचीलाल को गाने की प्रैक्टिस करा रही थी, तो पवनदीप उन्हें बड़े ही गौर से देख रहे थे। वाकई अरुणिता जिस तरह से 10 साल की बच्ची सैंतनी को सिखा रही थी, उसे देखकर कोई भी इंसान इनसे सीखना चाहेगा और इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहेगा।